नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और इसे बनाने में 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो बैंगन को देखिए अच्छे से धोकर रख लिए थे, अब इसमें कट लगा लेंगे दो दो पीस करके। तो देखिए बैगन यहाँ पे कट चुके हैं, जितना हमें लगेगा उस हिसाब से ले लिए बैगन को। अब यहाँ पे डाले 1 चम्मच बेसन, चने का बेसन है, और 1 चम्मच गेहूँ का आटा लिए हैं, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, और जिंजर गार्लिक मस्टर्ड का पेस्ट। और पहले इसे सूखा ही मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, जितने भी मसाले इसमें डाले हैं मिक्स कर लेंगे। जब हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा पानी डलेगा तो डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी का ज़रूरत था तो डाले इसमें। तो पानी यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 चम्मच डाले हैं, ज़्यादा नहीं, और कितने अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो गया है। तो मिक्स करने के बाद देखिए, मसाला मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दिए थे। अब यहाँ पे देखिए तेल को गरम करने के बाद इसमें सभी बैंगन को इसमें डाल देंगे। बैंगन भाजी फ्राई करने के लिए हम लिए मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो रिफाइन भी ले सकते हैं। और जितना इसमें आएगा उस हिसाब से इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे बैगन एक बार में डल चुका है इसमें। थोड़ा बहुत मसाला बच गया है तो ऊपर से लगा देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, और इसे ढक ढक कर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसे पकने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा। तो देखिए एक साइड से पक चुका है तो हम इसे पलट देंगे, हल्के हाथों से पलटेंगे, और इसे दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो सारे भाजी तैयार हो गए हैं फ्राई होकर, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सारे बैंगन भाजी को इसी तरह फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो देखिए भाजी बनके एकदम क्रिस्पी सा तैयार हो चुका है। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।